मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोग के सहयोग व असमंजस से जिस तरह उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों की कार्य योजना बनाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, उसी तर्ज पर प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक को भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश के 34 जिलों के 100 विकास खंडों को आकांक्षात्मक ब्लॉक के तौर पर चिन्हित किया गया है। आकांक्षात्मक जिलों के लिए चयनित संकेतों के आधार पर इन्हें भी विकसित करने की योजना है। शुक्रवार को अपनी सरकारी आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार व शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नीति आयोग के मानकों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति व सुधार के विशेष प्रयास किए गए हैं। औद्योगिक एवं अवस्थापना शिक्षा, बालिका शिक्षा, समूह, लघु एवं मध्यम उद्यम, पोषण, कृषि सिंचाई एवं जल संसाधन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।